नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील अंतर्गत थाना सुल्तानगंज के ग्राम मोतकपुर में शाम के समय अचानक मौसम परिवर्तन के बाद आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहा एक वृद्ध किसान उसकी चपेट में आ गया। परिजन तत्काल उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आकाशीय बिजली का इतना अधिक असर हुआ कि किसान के कपड़े जगह जगह से फट गए। आपको बता दें कि 63 वर्षीय जुगल किशोर यादव गांव के बाहर अपने खेत पर शाम करीब 5 बजे पहुंचे, जहां पर किसानी का काम चल रहा था। वह भी उसमें हाथ बटाने लगे। 6 बजे के करीब गरज चमक के साथ बारिश शुरू होने पर वह और उनका पुत्र वापस गांव जाने के लिए आगे बढ़े। आगे उनका पुत्र चल रहा था, थोड़े फासले से जुगल किशोर यादव चल रहे थे कि अचानक आकाशीय बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुत्र ने पलट कर देखा तो माजरा समझ में आया, तब तत्काल निजी वाहन से सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। वहीं नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी ने पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। नासा की प्राकृतिक आपदा हुई है ग्राम मोदक पर, जैसा कि बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि आकाशीय बिजली गिरने से किसी शख्स की मौत हुई है। कहां तक पहुंची है जांच, क्या संज्ञान में आया? संज्ञान में अभी कुछ ही समय पहले यह ज्ञात हुआ है कि श्री जुगल किशोर यादव पुत्र श्री छोटे लाल निवासी ग्राम मोदकपुर की, इनकी आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो चुकी है और उनका जो शव है वो अपने सिविल अस्पताल में आया है। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है अभी तक, ये है घटना अभी तक। ना साहब, जैसा कि बड़ी घटना है, क्या आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है कि एक आकाशीय बिजली गिरने से किसी शख्स की मौत हुई? सूचना प्राप्त किया था। कैसे हुई ये घटना? जैसे खेत में काम कर रहे थे, खेत में से निकल रहे थे जी, बिजली गिरी जी, आकाशीय बिजली गिरी, आकाशीय बिजली गिरी, वो खेत में गिर गए। हाँ, लड़का है तो इनको जब लौट के उन्होंने गिर गए। कितने बजे की घटना है? ये घटना है 5:30। क्या मोदकपुर गांव के? गांव मोदकपुर। नाम क्या है इनका? जुगल किशोर यादव। अच्छा, जब ये किसानी का काम कर रहे थे आकाशीय बिजली, कौन कौन था वो मौके पर? लड़का और दो ही है। अच्छा।